नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट, मैं हूं मानसी दवे। और भारतीय बाजार देश की इकोनॉमी के लिए सबसे अहम इवेंट बजट अब सिर्फ एक दिन दूर है। और बजट भाषण हिंदी में आप सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर आसान भाषा में देखेंगे। आपको बता दें कि कल शनिवार का दिन है, लेकिन फिर भी भारतीय बाजार खुलेंगे और सुबह 11 बजे वित्त मंत्री पेश करने जा रही हैं देश का बजट। लेकिन शुरुआत आज कर लेते हैं विदेशी बाजार के संकेत सबसे पहले समझकर। संकेत आज अच्छे आ रहे हैं। कल अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग भी अच्छी देखने को मिली, खासतौर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोरोना वायरस पर जो अलर्ट जारी किया गया, उसके बाद एक तेजी का मूड विदेशी बाजार में देखने को मिला। अमेरिकी बाजार सबसे पहले देखे, डाउ जोन्स खरीदारी के लेवल्स के साथ बंद हुआ। S&P और नैसडैक में भी तेजी देखने को मिली। लेकिन सेंसेक्स निफ्टी देखिए 12,078 के लेवल्स पर हरे निशान के साथ यहां पर ट्रेड करता हुआ। तो विदेशी बाजार फिलहाल मूड इनका अच्छा लग रहा है। चलिए विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से समझ लेते हैं। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी हमारे साथ है, जो कि आज के लिए अपनी पहली रणनीति सुझाएंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज ठीक लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, काफ़ी दिनों के बाद मजबूत संकेत आ रहे हैं जहां तक विदेशी बाजारों का सवाल है। हालांकि कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसकी वजह से निवेशकों की नज़र है। सबसे अहम इवेंट मानसी ब्रेग्जिट को लेकर रहेगा। 3 साल बाद आज फाइनली ब्रेग्जिट होने जा रही है। आज रात 11 बजे लंदन का टाइम, जो कि कल सुबह 4:30 बजे भारत का टाइम है, ब्रेग्जिट हो जाएगी। तो वो एक अहम इवेंट है जिसकी निवेशकों पर नज़र है। दूसरा ऑफकोर्स कोरोना वायरस को लेकर परेशानियाँ जो हैं, अब 213 लोगों की मौत हो गई है और 9,700 लोग पीड़ित हैं। कल से अब तक 2,000 नए केसेस मिले। क्योंकि इतनी तेजी से फैल रहा है, इसलिए अब फाइनली WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि परेशानी चीन में ज़्यादा है, पर चीन काफ़ी ऐसे स्टेप्स ले रहा है जिससे ये ज़्यादा फैले नहीं, इसलिए चीन पर किसी भी तरह की ट्रेड रेस्ट्रिक्शन या फिर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन अभी के लिए नहीं लगाई गई है। इसकी वजह से भी हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो शानदार तेजी देखने को मिली, वो भी तब जब डाउ 250 अंक इंट्राडे गिर चुका था। वहां से फिर लगभग 350 अंक की ज्यादा की रिकवरी हुई और डाउ उच्च स्तर पर बंद हुआ 0.5% बढ़कर। तो अच्छी रिकवरी देखने को मिली। एयरलाइन और होटल स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी थी, वही क्योंकि WHO ने कहा कि इस समय कोई ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है चाइना पर। इसके अलावा नतीजों के दम पर एक बार फिर से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट दोनों के ही अच्छे नतीजे रहे और उसके चलते चलते दोनों ही शेयर्स काफी बढ़त के साथ बंद हुए। पर वहीं फेसबुक में 6% की गिरावट देखने को मिली कुछ कमजोर नतीजों की वजह से। टेस्ला के शेयर्स ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया, तो वहां पर वो सिलसिला बरकरार है। इसके अलावा US के GDP के आंकड़े भी आए, अनुमान से बेहतर रहे। Q4 में 2% की ग्रोथ का अनुमान था, नंबर आया 2.1%। हालांकि कंज्यूमर स्पेंडिंग नंबर थोड़ा अनुमान से कम था। जॉबलेस क्लेम्स भी अनुमान मुताबिक ही रहे, तो वहां से भी सहारा मिला बाजारों को। जहां तक कच्चे तेल की बात है, कल शाम के सेशन में दायरे में रहे, पर इस सुबह हम थोड़ी तेजी देख रहे हैं। जिस तरह की ग्लोबल रिकवरी है, उसके चलते चलते तेल में भी इस समय रिकवरी का माहौल चल रहा है। रुपए की बात करें तो कल लगभग 23 पैसे कमजोर होकर रुपया बंद हुआ। इससे पहले 2 दिन रुपए में बढ़त देखने को मिली थी। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विदेशी बाजार के संकेत, शुरुआती संकेत कह सकते हैं, बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन आप आगे बढ़ लेते हैं और एक बार देख लेते हैं कि कल के सत्र में कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। FIIs DIIs का एक्शन समझिए। FIIs कैश मार्केट में 962 करोड़ की कर रहे हैं बिकवाली। वहीं DIIs की तरफ से कैश मार्केट में करीब 292 करोड़ की खरीदारी है। वायदा बाजार की अगर बात करें तो FIIs की तरफ से खरीदारी 2,630 करोड़ की। तो वायदा बाजार में लगातार हम देख रहे हैं विदेशी निवेशक खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कैश मार्केट में अब भी बिकवाली देखने को मिल रही है। अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत आज अच्छे लग रहे हैं और साथ ही भारतीय बाजार के लिए अब बजट एक दिन दूर है, तो आज का ट्रेडिंग सेशन काफी अहम रहने वाला है। लेवल्स कौन से अहम समझे आज के लिए? देखिए, रिकवरी के आसार पूरे हैं और वैसे भी कल जब एक्सपायरी की वजह से जो कुछ दबाव बनना का शॉर्ट होने थे और जो तेजी की पोजीशन कम होनी थी, वो कल काफी हद तक कट चुकी है। तो आज नई सीरीज की शुरुआत है और सामने बजट भी है, तो उस लिहाज से हल्की फुल्की खरीदारी होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। पहले 12,100 का लेवल अहम होगा, जहाँ पर आपको नजर रखनी है। उसके पार निकल कर टीके तो फिर ऐसे में 12,150 12,175 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। निचले स्तर पर
12,000 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और मुझे नहीं लगता कि बजट के पहले बाजार 12,000 के नीचे जाने चाहिए, और इसीलिए कल क्लोजिंग के वक्त हमने यही कहा था कि आप अपनी शॉर्ट सारे काट लीजिए और 12,000 के स्टॉप लॉस के साथ आज BTS के तौर पर लॉन्ग पोजिशन बनाकर जाइए। तो आज मुझे लगता है जिन लोगों ने कल तेजी की पोजिशन बनाई उन्हें एक अच्छा गैप मिलना चाहिए। यहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 30,500 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है और मुझे नहीं लगता कि वो लेवल आज टूटना चाहिए, तो उसे सपोर्ट मानकर आप ऊपरी स्तर पर और रिकवरी और खरीदारी की उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसे में बैंक निफ्टी एक बार 30,750 पहला लेवल है जहां तक जाने की कोशिश कर सकता है, और उसके पार निकलने पर 30,950 31,000 तक की कोशिश हो सकती है। तो ओवरऑल व्यू थोड़ा पॉजिटिव है। हाँ, ये जरूर है कि सेकंड हाफ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ऊपरी स्तरों पर, बजट से पहले हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, लेकिन पिछले 2-3 सेशन के मुकाबले में थोड़ा बेहतर ट्रेड होना चाहिए और दूसरा है कि वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। बिल्कुल अनिल जी, साथ ही कल के सत्र में सेक्टर स्पेसिफिक FMCG, फार्मा और बैंक्स में हमने बिकवाली देखी, आज ये संभलते हुए दिखेंगे? बैंक्स तो बहुत मजबूत दिख रहे हैं मुझे, बाकी का तो पता नहीं, बहुत ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अगर आज तेजी होनी तो जैसा मानसी हम लगातार कह रहे थे कि अगर कमजोरी होनी तो बैंक से ही होनी है, और आपने देखा कि किस तरह से बैंक्स ने लीड किया है बाजार की कमजोरी को। आज मुझे बैंक्स बहुत मजबूत दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगा, ज्यादा अच्छा तेजी से बढ़ेगा। हल्की फुल्की रिकवरी मेटल शेयरों में हो सकती है, लेकिन मेटल शेयरों में अभी भी वोलेटाइल ट्रेड है, तो जो साफ और सेफ ट्रेड दिख रहा है वो बैंक से दिख रहा है। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तमाम स्टॉक्स सेक्टर स्पेसिफिक और साथ ही इंडेक्स की स्ट्रेटजी आपके लिए, लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद कई अहम कंपनियों के नतीजे आए हैं, कैसे रहे इन तमाम कंपनियों के नतीजे बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के नतीजे आए? जी गुड मॉर्निंग मानसी, कल बाजार बंद होने के बाद काफी सारे कंपनी के नतीजे आए, इसमें शुरुआत पहले निफ्टी कंपनी से करते हैं। टाटा मोटर्स ने जो अपने नतीजे घोषित किए, नंबर्स काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं हम जो अनुमान कर रहे थे उससे। अगर कंसो आधार पर बात करेंगे तो जो आय है वो करीब 76,916 करोड़, ये नंबर्स आए और हमारा अनुमान करीब 74,000 के आसपास का था। इसके अलावा जो मुनाफा है उसमें भी कुछ लो बेस के कारण इतनी ज्यादा बढ़त देखने को मिली है, लेकिन जो हम अनुमान कर रहे थे उसके आसपास ही नंबर्स आए हैं। कामकाजी जो मुनाफा है वहां पर भी हमारा जो अनुमान है उससे बेहतर ही नंबर्स दिखाई दे रहे हैं टाटा मोटर्स के केस में, तो नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। भारतीय इंफ्राटेल के नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर्स कमजोर हैं, स्टेबल नंबर्स कहेंगे, आय करीब 1% ही बढ़ी है, सपाट ग्रोथ इस बार देखी गई है और जो मुनाफा है उसमें 17% की गिरावट इस बार दर्ज हुई है, तो भारतीय इंफ्राटेल के नंबर्स थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं FNO नंबर्स की, तो यहाँ पर जो मेरिको के नंबर्स दिख रहे हैं वो हमारे अनुमान से थोड़े बेहतर साइड पर है, 236 करोड़ के आसपास का हम अनुमान कर रहे थे, मुनाफा जो है वो 272 करोड़ का इस बार कंपनी ने घोषित किया है। कामकाजी मुनाफे में भी बढ़त इस बार देखी गई है और मार्जिन भी हम करीब 19% के आसपास के नंबर्स की उम्मीद कर रहे थे और जो मार्जिन के नंबर्स हैं वो इस बार 20% के आए हैं, तो अनुमान से बेहतर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं मेरिको के केस में। BEL के नंबर्स कमजोर हैं, आय घटी है करीब 16%, कामकाजी मुनाफे में करीब 50% से ज्यादा की गिरावट इस बार दर्ज हुई है और मुनाफा भी घटा है कंपनी का करीब 57%, तो कमजोर नंबर्स हैं BEL के। इक्विटास होल्डिंग, ये नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अगर मुनाफे की बात करेंगे तो करीब 50% की ग्रोथ दर्ज हुई है मुनाफे में, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ग्रॉस NPA 2.86% पर बरकरार रहे इस बार तिमाही आधार पर, तो बेहतर नंबर्स कहेंगे इक्विटास होल्डिंग के भी। कैश सेगमेंट से भी काफी सारे नंबर्स आए हैं, शुरुआत MCA से कर लेते हैं, नंबर्स कमजोर हैं, आय भी घटी है करीब 1.5% और मुनाफे में भी करीब 35% की गिरावट इस बार तिमाही दर तिमाही दर्ज हुई है। जेके टायर के नंबर्स भी कमजोर दिख रहे हैं, मुनाफा घटा है 27 करोड़ से घटकर 11 करोड़ का मुनाफे के फिगर्स इस बार कंपनी ने पोस्ट किए हैं, आय में भी इस बार गिरावट ही दर्ज हुई है और कामकाजी मुनाफा अगर देखेंगे तो वो भी 265 करोड़ से घटकर इस बार 240 करोड़ के आसपास कंपनी ने पोस्ट किए हैं, तो कमजोर नंबर्स हैं जेके टायर्स के लिए भी। परसिस्टेंट सिस्टम्स के जो क्वार्टर था वो इस बार स्टेबल नजर आ रहा है, आय 4% बढ़ी है, मुनाफा करीब 2% बढ़ा है और मार्जिन की बात करेंगे तो 8.7% से बढ़कर इस बार जो मार्जिन के फिगर्स आए 8.9% पर आए, तो नंबर्स हमारे अनुमान के मुताबिक ही है, स्टेबल क्वार्टर है परसिस्टेंट सिस्टम्स के लिए। और मॉइल की बात करें अंत में तो यहाँ पर नंबर्स काफी कमजोर दिखाई दे रहे हैं, हर फ्रंट पर इस बार गिरावट दर्ज हुई है, मुनाफा घटा है कंपनी का 120 करोड़ से घटकर इस बार जो मुनाफा आया है वो 55 करोड़ का आया है, इसके अलावा आय में भी करीब 333 करोड़ से घटकर जो आय के फिगर्स है 256 करोड़ के इस बार
दर्ज हुए हैं और मार्जिन में भी कटौती इस बार देखी गई है। 46.5% से घटकर इस बार जो मार्जिन की फिगर आया है वो करीब 21% के आसपास दर्ज हुए हैं, तो कमजोर नंबर्स कहेंगे इस बार मोबाइल के भी। ओके पूजा, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ढेर सारी कंपनियों के नतीजे आए और नतीजे कैसे रहे सब कुछ विस्तार से पूजा ने हमारे सामने रखा, लेकिन अब बात करते हैं एफआईआर की, यानी कि एफआईआर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। कि नतीजे जारी करने के बाद दिग्गज कंपनियों पर ब्रोकरेज हाउसेस के एफआईआर रिपोर्ट में क्या है खास, इस पर आज डालेंगे नजर। और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे रिसर्च एनालिस्ट सृष्टि शर्मा। सृष्टि बताएं, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत करें अगर निफ्टी कंपनी से, तो यहाँ टाटा मोटर्स के नतीजे से ब्रोकरेजेस खुश हैं। यहाँ पे दो ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं, जेफरीज और जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे अपने लक्ष्य थोड़े से बढ़ाए हैं। वहीं मॉर्गन स्टैनली इस पे इक्वल वेट है 155 के टारगेट्स के साथ, पर जेफरीज सबसे ज्यादा के टारगेट्स दे रहे हैं, 200 से लक्ष्य बढ़ा के उन्होंने 220 के कर दिए हैं। इसके अलावा दूसरी ऑटो कंपनी बजाज ऑटो की बात करें, मार्केट आज में इसके नंबर आए थे, इस पे एचएसबीसी आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं 3600 के टारगेट्स के साथ, पर अगर मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने इक्वल वेट रेटिंग के साथ 3040 के लक्ष्य दिए हैं। आईओसी जिसके अनुमान के मुताबिक नतीजे आए थे, पर ब्रोकरेजेस इस पे अभी भी पॉजिटिव हैं। मॉर्गन स्टैनली और नोमेरा इस पे अभी भी आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं। सबसे ज्यादा मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ 180 के पास टारगेट्स दिए हैं, पर अगर क्रेडिट स्विस की बात करें तो उन्होंने अंडरपरफॉर्म रेटिंग अपनी बरकरार रखी है और मौजूदा भाव के आसपास 120 के वो अपने टारगेट्स बता रहे हैं। भारतीय इंफ्राटेल इसके नतीजों को लेकर ब्रोकरेज हाउसेज ना खुश हैं, मॉर्गन स्टैनली और क्रेडिट स्विस दोनों ने ही मौजूदा भाव से काफी कम के टारगेट्स दिए हैं। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट रेटिंग के साथ 227 के टारगेट्स और क्रेडिट स्विस अंडरपरफॉर्म रेटिंग के साथ 200 के लक्ष्य बता रहे हैं। और अब बात करें तीन एफएमसीजी कंपनीज की, तो सबसे पहले कोलगेट जिसपे के मिले जुले जो ब्रोकरेजेस हैं, जिसपे जेपी मॉर्गन ओवरवेट हैं 1670 के टारगेट्स के साथ, क्रेडिट स्विस ने थोड़े से अपने लक्ष्य घटाए हैं, 1625 से लक्ष्य घटा के 1600 के दिए हैं, पर मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स दोनों ही इस पे न्यूट्रल है। गोल्डमैन सैक्स ने सबसे कम के टारगेट्स दिए हैं 1360 के, और मैरिको पे यहाँ पे जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसको लेकर थोड़े से ना खुश हैं ब्रोकरेजेस हाउसेस। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट रेटिंग के साथ 390 के टारगेट्स दे रहे हैं, क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की रेटिंग के साथ 375 के, और जेपी मॉर्गन न्यूट्रल रेटिंग के साथ 355 के टारगेट्स बता रहे हैं। और आखिरी में डाबर, यहाँ पे भी आप देखिए बहुत मिक्स रिपोर्ट्स हैं, क्रेडिट स्विस इस पे आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 540 के टारगेट्स के साथ, पर गोल्डमैन सैक्स इस पे आपको बिकवाली की राय दे रहे हैं 352 के लक्ष्य के साथ। ओके सृष्टि, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं आज खबरों के चलते किन शहरों में एक्शन देखने को मिलेगा ये जानना भी अहम है, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। संदीप गुड मॉर्निंग, बताएं आज खबरों के चलते कहां एक्शन देखेंगे हम? गुड मॉर्निंग मानसी, काफी सारा न्यूज फ्लो है आज जहां तक बात है। तो आईटीआई सबसे पहले, जिसका आज एफपीओ बंद होने वाला है, इसका आखिरी दिन है, तो सब्सक्रिप्शन जैसे हम कल बता रहे थे 49% बढ़ा है, हूबहू वैसे ही नंबर है, कोई बदलाव यहां पे नहीं देखने को मिला। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक इस पे जरूर आज फोकस कीजिएगा, अच्छी खबर है इनके लिए। आरबीआई और बैंक के बीच में जो प्रमोटर की मैक्सिमम जो हिस्सेदारी है उसको लेके जो सहमति है वो बनती हुई दिखी है। 31 मार्च तक ये 20% और 1 अप्रैल से 15% जो वोटिंग राइट्स है, मत अधिकार है, उसको मंजूरी मिल गई। तो अब ये हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है, जो याचिका दी थी बैंक ने, वो वापस आती हुई दिखेगी। तो एक जो हैंगओवर, जो तलवार लटकती हुई दिख रही थी इस बैंक के ऊपर, वो कहीं ना कहीं अब हटती हुई दिखेगी। और जब अंतिम मंजूरी आ जाएगी आरबीआई की ओर से, उसके 6 महीने के अंदर इनको जो हिस्सेदारी जो कि मौजूदा 30% है वो घटाकर 26% करनी होगी। तो एक अच्छी खबर कहना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। पीएफसी आरईसी पे नजर रखिए, आरबीआई के नियमों के चलते पीएफसी आरईसी का जो विलय होना है उसमें दिक्कतें आ रही है, ऐसा न्यूज फ्लो निकल के सामने आ रहा है। और फोकस रहेगा आज टेलीकॉम कंपनियों पे भी। 3 फरवरी को इन कंपनियों की जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है वो होने जा रही है, तो उस लिहाज से ये 3 फरवरी के डेट यानी कि सोमवार का दिन बहुत अहम होगा। प्रेस्टीज एस्टेट्स 4 तारीख को इनकी पूंजी जुटाने के ऊपर बोर्ड बैठक है, क्यूआईबी से ये शेयर जारी कर रकम जुटाने के ऊपर विचार करते हुए देखेंगे। टीवीएस मोटर्स, इनकी टीवीएस अपाचे जो BS6 2020 उनको आज ये लॉन्च करेंगे, तो उस लिहाज से टीवीएस मोटर्स का स्टॉक फोकस में रहेगा। स्ट्राइड्स फार्मा, इनकी एक सब्सिडरी है विमेड लाइफ साइंसेस, इसके साथ विलय को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। तो कल स्टॉक ऑलरेडी 5% ऊपर था, आज कैसे रिएक्ट करता है देखना अहम होगा। पीएनसी इंफ्रा एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए इन्होंने सबसे कम बोली लगाई थी, अब एनएचईआई ने इस ईपीसी प्रोजेक्ट के लिए दोबारा से बोलियां मंगवाई है, तो हो सकता है कुछ नेगेटिव रिएक्शन आज पीएनसी इंफ्रा के स्टॉक में आता हो दिखे।
साथ ही साथ आप इंश्योरेंस कंपनियों पर भी नजर रखिए। भारतीय कंपनियों द्वारा कंट्रोल के नियम हटाने के ऊपर विचार किया जा रहा है। दरअसल हो क्या रहा है कि जो एफडीआई के नियम है, एफडीआई निवेश की जो सीमा है 49% से बढ़ाकर 74% करने के तहत ये जो फैसला है वो लिया जा सकता है। तो उस लिहाज से आज जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी कहीं ना कहीं फोकस में रहेंगी। सिक्का लॉजिस्टिक्स पर नजर रखिए। येस बैंक ने अपना हिस्सा और इस कंपनी में कम किया है। इनफैक्ट येस बैंक ने जो 15 लाख शेयर और बेचे हैं, करीब 3% के आसपास की हिस्सेदारी है। और अब अगर आप देखें तो बैंक की जो मौजूदा हिस्सेदारी है इस कंपनी में वो घटकर 5.5% के आसपास आती हुई दिखी है। पीएनबी हाउसिंग, इस पर भी नजर रखिए। न्यूज फ्लो ऐसा है कि दो ऐसे निवेशकों के नाम आ रहे हैं जिसमें आईएफसी और केबी फाइनेंशियल ग्रुप जो कि माइनॉरिटी यानी कि छोटा हिस्सा इस कंपनी में खरीदते हुए देख सकते हैं। और आखिर में मदरसन सुमी, इस पर भी नजर रखिए। अपना कारोबार रिस्ट्रक्चर करने की इन्होंने यहाँ पे मंजूरी दी है। बोर्ड ने अपना जो डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस कारोबार है उसको एक डीमर्ज करेंगे और जो नई सब्सिडरी बनी है, नई कंपनी बनी है उसमें ये कारोबार जाता हुआ दिखेगा और उस कंपनी की बाद में लिस्टिंग भी होती हुई दिखेगी। साथ ही साथ आपको बता दें इनका सुमिटोमो के साथ करार है, चूंकि इनका जेवी पार्टनर है उनकी मांग के चलते, क्योंकि उनका जो वायरिंग हार्नेस कारोबार है उसमें कम उनको हिस्सेदारी चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसके एवज में रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया गया कंपनी की ओर से। बिल्कुल संदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का दिन काफी एक्शन पैक रहने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा खबरों के चलते जो एक्शन देखने को मिलेगा, न्यूज बेस इम्पैक्ट वो भी एक बड़ी लिस्ट रही। इसी के साथ कल जो बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए वो भी एक लंबी लिस्ट थी, और ब्रोकरेज हाउसेज की लिस्ट भी आज हमने लंबी देखी। तो काफी सारा एक्शन है जो कि बाजार में दिखेगा, लेकिन आज के लिए कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स भी अब जान लेते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से दो कॉल्स आई हैं, एक है एशियन पेंट्स पर और साथ ही यूपीएल पर। एशियन पेंट्स सबसे पहले देख लेते हैं, खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। 1835 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 1780 का यहां पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरी कॉल यूपीएल, ध्यान रखें यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड की यहां पर बात हो रही है। 560 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 536 का यहां पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा चॉइस की तरफ से एक बिकवाली कॉल है विप्रो, ध्यान रखिए कल के सत्र में बिकवाली देखने को मिली थी, यहां से और ज्यादा बिकवाली हावी होती हुई दिख सकती है। 230 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 250 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना चाहिए। तो ये कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए। लेकिन वही हमारे खास शो बाजार आज और कल में प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर ने इंट्राडे ऑपोजिशनल निवेश के लिए दो शेयर सुझाए हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं वो दो शेयर। पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में REC काफ़ी अच्छा पसंद है, हमको लग रहा है कि इस लेवल से खरीदा जा सकता है। करीबन 155 का एक टारगेट बनता है और करीबन 144 का स्टॉप लॉस बनता है। हमको वेदांता पसंद है, हमको लग रहा है कि करंट लेवल पे स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर हफ्ते भर की बात करें तो हमको 158 का स्टॉप टारगेट प्राइस लग रहा है, यहाँ पे 134 का स्टॉप लॉस रखे। आपको बता दें बाजार आज और कल में आपको मिलता है बाजार के दिन भर का एक्शन और अगले कारोबारी सत्र में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, इस पर एक्सपर्ट देते हैं सलाह। कमाना है मुनाफा तो सोमवार से शुक्रवार शाम 7:26 पर जी बिजनेस के साथ जुड़ना ना भूलें। और अब आज बाजार में कहां हो सकती है आपकी कमाई, इस पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई है एंजल ब्रोकिंग की स्नेहा सेठ। स्नेहा गुड मॉर्निंग, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप आज कहां देख रही है, आपकी राय आज के लिए क्या होगी? नमस्ते मानसी, इंडिविजुअल काउंटर्स में अगर आप कल देखें L&T काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग रहा। इनफैक्ट जो लास्ट हाफ एन आवर में एक अच्छी रिकवरी दिखी थी हमने L&T में, और इसका प्रीवियसली अगर आप देखें तो एक जो अप मूव आई है उसमें अच्छे वॉल्यूम्स भी रहे हैं। हमारा मन है कि L&T में लॉन्ग करके चला जा सकता है, 1410 के टारगेट के लिए लॉन्ग करें और स्टॉप लॉस 1347 का। बिल्कुल स्नेहा, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर मार्केट पर आपको एक्सपर्ट की तरफ से राय मिली है, लेकिन कमोडिटी बाजार का जायजा भी ले लेते हैं। कमोडिटी बाजार के लिए आज की क्या रणनीति होनी चाहिए जानने के लिए हमने SMC ग्लोबल की वंदना भारती से बात की और उनकी राय एक बार देखते हैं। क्रूड पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई दिखी, 3735 के लेवल्स पर अगर आपको मिले तो खरीदारी का मन बनाकर चलें। 3790 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 3700 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगाइएगा। इसके अलावा बुलियन मार्केट में भी आज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चांदी यहां पर बिकवाली करने की रणनीति एक्सपर्ट की तरफ से 46,750 के लेवल्स पर सेल कॉल इनिशिएट कीजिएगा। 46,250 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए, 47,000 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना चाहिए। जो चांदी में आपको करनी है बिकवाली, वहीं क्रूड में खरीदारी की राय एक्सपर्ट की तरफ से।